हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट साउंड, और आप देख रहे हैं एसपी अनबॉक्सिंग। आज के वीडियो में मीवी डुओ पॉड F14, जिसे लॉन्च हुए करीबन एक महीना हो चुका है एंड मैं इसे तब से यूज कर रहा हूं। तो मेरा म्यूजिक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एंड ये ईयरफोन आपको फ्लिपकार्ट पर 1000 रुपीज प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। क्या ये इस प्राइस पॉइंट पर वर्थ इट है? एंड मैं इसके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मुझे इन ईयरबड के साथ। तो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा इसका बॉक्स। बॉक्स के ऊपर आपको मेवी डुओ पॉड F40 TWS ईयरफोन एंड उसके कुछ हाईलाइट फीचर्स में आपको डीप एंड पावरफुल बाज, मेड इन इंडिया एंड 50 आवर्स का मैसिव प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है इन TWS के साथ। बॉक्स की इस तरफ आपको पुश द लिमिट मेवी की टैगलाइन एंड इंजीनियर एंड मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बॉक्स के बैक साइड में उसके और भी स्पेसिफिकेशन है, जिसे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है, जो थोड़ी सी हाई है। मैंने इन ईयरबड को 1000 रुपीज में फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। तो फटाफट से बॉक्स के कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आपको मेवी की तरफ से एक वेलकम कार्ड देखने को मिल जाता है। देन इन TWS के साथ आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन इस कार्ड में देखने को मिल जाती है। देन आपको एक यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिल जाती है मेवी डुओ पॉड F40। बस यही थे सारे डॉक्यूमेंट्स। अब इसके साथ आपको एक टाइप ए टू टाइप सी वाली चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, जिससे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है इन TWS के साथ। तो बस यही थे सारे बॉक्स के कंटेंट। अब आते हैं अपने एक्चुअल TWS की। अभी आ रहा है एक्चुअल मेवी डुओ पॉड F40। तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे काफी ज्यादा सॉलिड बिल्ड के साथ देखने को मिलता है। एंड हाँ, मेरे पास ये ब्लू कलर वेरिएंट है, इसमें आपको और भी काफी ज्यादा कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक और ग्रे कलर के। आप कोई भी वेरिएंट चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू है, तो सामने की तरफ आपको मेवी के ब्रांडिंग एंड LED इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको केस के अंदर कितने परसेंट बैटरी बची है वो इंडिकेट करता है। केस की इस साइड में आपको टाइप सी चार्जिंग का इनपुट देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से इन ईयरबड्स को केस से बाहर निकाल लेते हैं। एंड भाई साहब, इसकी डिजाइन आपको काफी हद तक एयरपॉड जनरेशन 1 जैसी देखने को मिल जाती है। एंड ना ही इसमें आपको कोई भी ईयर टिप्स का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, जो काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी करने वाला है। एंड इन ईयरबड्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये किसी भी स्मॉल साइज वाले ईयर में भी इजिली फिट हो जाते हैं, तो इसकी फिटिंग काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। इन ईयरबड्स में आपको 2 माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं, जिससे अच्छा खासा कॉलिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो फटाफट से इन ईयरबड्स को अपने फोन के साथ पैर कर लेते हैं, जिसके लिए आपको ईयरबड्स को केस से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई भी क्विक पैरिंग और गूगल पैरिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो फोन में यहाँ पर मेवी डुओ पॉड F40 लिखा हुआ आ गया है, तो फटाफट से पैर कर लेते हैं। तो अब इसकी बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें, तो केस की बिल्ड एंड मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। एंड इसकी हिंच की क्वालिटी भी मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया लगी है। हाँ सर, मुझे इसका ब्लू कलर वेरिएंट पर्सनली पसंद नहीं आया, इसमें और भी कलर वेरिएंट है, मैं सजेस्ट करता हूँ तो वो कलर चूज करना। बाकी मुझे इसकी डिजाइन में कोई भी कमी नहीं लगी। एंड इसकी TWS की जो बिल्ड है वो केस से भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। ग्लॉसी और मैट दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अंडर 1000 रुपीज प्राइस कैटेगरी में मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी के रिलेटेड कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला। अब इन TWS कनेक्टिविटी की बात करें, तो इनमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाता है, जो आपको लेटेस्ट वर्जन है, जिससे आपको कनेक्टिविटी में कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलने वाले। ये आपके फोन में इजीली पैर हो जाते हैं। हाँ, इसमें आपको कोई भी डुअल पैरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कर सकता है। बाकी इस कनेक्टिविटी में मुझे कोई पर्सनली इशू देखने को नहीं मिला है। तो अब साउंड क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको 13 mm का ड्राइवर साइज देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइज बड़ा होने की वजह से इसकी साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा लाउड देखने को मिलती है। एंड लाउड होने की वजह से इसमें आपको काफी अच्छा पंची बास देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ आपको ASC जैसे हाई क्वालिटी कोडेक भी यूज किया है इन ईयरबड्स में अंडर 1000 रुपीज प्राइस कैटेगरी में, तो उससे आपको साउंड क्वालिटी थोड़ी बेहतर मिल जाती है। एंड इसके वोकल्स एंड हाइज भी थोड़े से वेल मेंटेन्ड है, तो इसे आप अगर 70-80% वॉल्यूम पे सुनोगे तो आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी देखने को मिलने वाली अंडर 1000 रुपीज। हाँ, सिर्फ इसमें आपको 80-90% वॉल्यूम पे जब सॉन्ग सुनते हो तो इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन मिलता है, जो इरिटेट करता है। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी मुझे अंडर 1000 रुपीज प्राइस रेंज में सही लगी। कंपनी ने इसमें कोई भी IP रेटिंग मेंशन नहीं की, इसलिए मैं इसे वाटर रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकता, बट इसमें आपको थोड़ा सा पसीना भी चला जाए तो आपको कोई भी दिक्कत देने वाले नहीं है ये ईयरफोन। इनमें आपको फुल्ली टच कंट्रोलर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसे सिंगल प्रेस करने पर आप सॉन्ग को प्ले और पॉज कर सकते हो। एंड राइट वाले ईयरबड को डबल टैप करने पर आप नेक्स्ट सॉन्ग पे, एंड लेफ्ट वाले ईयरबड्स को डबल टैप करने पर आप प्रीवियस सॉन्ग पे इजीली स्विच कर पाए। देन दोनों ईयरबड्स पे टैप एंड होल्ड करने पर आप वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे। एंड ट्रिपल टैप पे ऑटोमेटिकली गूगल असिस्टेंट पिकअप हो जाता है। मेवी डुओ पॉड F40 की बैटरी लाइफ की बात करें, तो इनमें आपको टोटल 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है केस के साथ।
ये प्लेबैक टाइम आपको 70% ऑफ वॉल्यूम पर मिल जाएगा। अगर आप इससे ज्यादा वॉल्यूम पे गाने सुनते हो तो आराम से आपको 30 से 35 आवर का प्लेबैक टाइम इजीली दे देंगे ये ईयरफोन। तो मुझे इसकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी लगी है इसको प्राइस के अकॉर्डिंग। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें उससे पहले मुझे इसके थोड़े बहुत कॉन्स लगे हैं। फर्स्ट, इसमें आपको कोई भी आईपी रेटिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। सेकंड, मुझे कनेक्टिविटी इशू लगा। इसमें एक रूम से दूसरे रूम में स्विच करते हो तो कभी कभार साउंड ब्रेक होती है जो काफी ज्यादा इरिटेट करती है। एंड थर्ड, ईयर टिप्स ना होने की वजह से अगर आप क्राउडी एरिया में तो आपको काफी ज्यादा बाहर की नॉइज सुनाई देती है। बाकी तो कोई मेजर कमियां देखने को नहीं मिली इन TWS के साथ। अगर आपका बजट 1000 रुपीज है एंड आपको विदाउट ईयर टिप्स वाले ईयरफोन पसंद एंड आपको काफी अच्छा प्लेबैक टाइम चाहिए तो ईयरफोन आपको कंसिडर कर सकते हैं। एंड काफी ज्यादा लोगों के क्वेश्चन है कि मीवी डोपोट F40 परचेस करें या मीवी डोपोट F60। तो अगर साउंड क्वालिटी आपका प्रायोरिटी है तो मीवी डोपोट F40 परचेस करना सही रहेगा। तो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।